बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं 2022 में 9th क्लास में एडमिशन लिए हैं, यानी बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन करने का डेट आ गया है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि 9th और 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नवंबर माह में कभी भी जारी हो सकता है, तो ऐसा ही हुआ। तो चलिए जानते हैं कि बिहार बोर्ड 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक रखा गया है और कितना रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, क्या क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानकारी भरना है और कितना एज रहने पर रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। पूरा विस्तार अपडेट दिया गया है, पूरे विस्तार से समझेंगे। यहाँ जानकारी दिया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक 2024 में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 9वीं में नियमित कोटि के अध्ययन, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में सम्मिलित होने के लिए कक्षा 9वीं में अध्ययन कर रहे छात्रों को रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो 2/11 से 23/11 तक, यानी आज 2 नवंबर से 23 नवंबर तक आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि आपका एज कितना होगा तब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2024 को परीक्षार्थी को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और जो फीस जमा करेंगे वो भी वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए 1 मार्च 2010 के बाद की जन्मतिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। यानी आपको क्लियर समझना है कि यदि आपका उम्र 1 मार्च 2024 तक 14 वर्ष पूरा होता है तभी आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2010 के बाद का है तो आप 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 1 मार्च 2024 तक कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए। चलिए अब फी की बात करते हैं, कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियमित कोटि के छात्र हैं तो आपको कुल ₹320 देना होगा। यदि आप स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं तो आपको ₹450 देना होगा। आगे बताया जा रहा है कि आप कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में परेशानी आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो।